कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष कांग्रेस यूपी अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। पीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ना जाने कौन सी भाषा में बोलते हैं, जो बोलते हैं वह अज्ञानी और मूर्ख लोग बोलते हैं। 5 साल में उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपना 5 साल के कार्यों को वोट पर क्यों ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी असफलता क्यों नहीं बताते हैं, नोटबंदी 3 तलाक पर वोट क्यों नहीं मांगते। राज बब्बर सोनभद्र में रैली कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप यहाँ देर से पहुँचते हैं, इसलिए मैं पहले तो क्षमा मांग लेता हूँ कि मुझे आने में देरी हुई। और उसके बाद उन्होंने जो बात बताई वो काफ़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का खतरा था जिसकी वजह से फ्लाइट को उड़ने से रोक दिया गया। राज बब्बर ने कहा कि बीजेपी अपने कामों से वोट नहीं मांग रहा है, बल्कि हमारे कामों को कमी दिखाकर वोट मांग रहा है। किस तरह की भाषा बोलता है, बचपन में हमने सुना था कि इस तरह की भाषा बोलने वो लोग बोलते हैं जो अज्ञानी होते हैं, नहीं तो मूर्खता और कड़वाहट से भरे हुए लोग कभी सही बात नहीं बोलते। मैं नहीं जानता प्रधानमंत्री जी इन दोनों में से किस चीज का